भी सारे कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबडी? आप सर। हाँ सर, जैसा कि अभी तक पढ़ने का टॉपिक था पढ़ाई में कैसे, इसमें कहा था कि रीजन टू नो पढ़ाई का, तो उसने मतलब सब कुछ करवा दिया हमने, अपने सारे मतलब जो भी उसकी स्पीच थी और उसकी चीज़ें वो सब, लेकिन जो मेन चीज़ थी मुझे मुझे नहीं मतलब नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सब लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, इसका एक मैं आंसर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो उससे हम हट जाते हैं। जब हम हट जाते हैं तो हमारे दिमाग में बस पढ़ते ही समय ज्यादा ख्याल आते हैं, उन ख्यालों को कैसे दूर करना है कि हम जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में आने। जैसे कि अभी कुछ लोग बच्चों ने बोला था कि इतना ज्यादा उसको सोच लो, इतना ज्यादा सोच लो कि वो सोचना बंद हो जाए। मेडिटेशन हो सकती है लेकिन वो हमारे साथ अभी फॉलो नहीं हो पाएगा, हम इतने जल्दी उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा सोचो कि वो सोच के बाद खत्म हो जाए। और जब उसका इन्फेंट्री में जब पहुंच जाएगा, जब अनंत तक पहुंच जाएगा, फिर आपको सोचना आएगा उनको। और आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो टीन एजर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है, ये ज्यादा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उसी समय आते जब हम पढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैं एक सेपरेट आपको सेशन दूंगा, उसमें मैं सारे आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढना होता है। तो जब बेटा मैं इसका आंसर दे दूं, एक जैसे मुस्कान का एक क्वेश्चन है कि हम जो भी हम सोचते हैं उसको हमें करना है, और अगर हमने नहीं किया तो उसका अल्टरनेट हम ढूंढते हैं, लेकिन वो जब हम अल्टरनेट ढूंढे ना तो हार हमारी वजह है। समझ गए मेरी बात को? अगर मैंने कुछ सोचा है तो ये सोचना है कि मैं नहीं कर पाया तो कौन करेगा इस संसार में, तो आप 100% सक्सेस हो, उसका अल्टरनेट नहीं ढूंढना है। आपको जो करना है सिर्फ वही सोचना है, 24 घंटे वही सोचना है, और ये सबसे बड़ा एडेप्शन होता है, और इसको एडेप्ट कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे। आगे व्यक्ति, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से कोई तो हमें अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए या फिर उसी पे ज्यादा काम करना चाहिए? और बहुत बढ़िया, अगर हमारे मेरे को ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के पास होगा, इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा नाम से आपको आंसर दे दूं कि अगर हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं और जिसपे हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, जबकि हमने गोल सेट कर लिया था कि मुझे नहीं यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, फिर भी मैं सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ या मुझे उसमें कुछ भी सफलता हासिल नहीं हो रही, तब मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, तो सबसे पहले हमने अपने जो किया है काम उसमें अपनी कमियों को ढूंढना, और फिर मुझे जो कमियां मिलती हैं और मैं कमियों को फुलफिल कर पा रहा हूं, जो मेरे अंदर कमियां हैं उनको अगर मैं फुलफिल कर पा रहा हूं तब तो मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अगर मैं आगे उसमें फिर भी नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि अब मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूं, तो वहां पे हमारा गोल चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमने गलतियां की हैं और जहां पे हमें सक्सेस नहीं हुई, लेकिन उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, तब आपको गोल चेंज करना है। तो चेंज करने में कहीं कोई किसी की वो नहीं है कि नहीं तुम्हें गोल चेंज नहीं करोगे तो फिर वहां पे तकलीफ बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, जबकि आप जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है उससे आप आगे बढ़ोगे। आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनके पास तो इतनी महान शख्सियत बोल सकते हो, तो उनके पास कविताएं वो लिखते थे, नाटक का मंचन वो करते थे,
और पेंटिंग को करते थे, उनके पास तो कितनी सारी स्थितियाँ थी, उनके कोई एक गोल भी था, तो हमारे अंदर भी डेफिनेटली कई टैलेंट होते हैं। तो अपने टैलेंट को पहचाना कि मैं इसमें बेहतर नहीं कर पा रहा, शायद मेरे इस टैलेंट में मैं बेहतर कर रहा हूँ, तो मेरे ये गोल नहीं हो पाए, वो मेरी हॉबी बन जाती है, जो नेक्स्ट में करो वो मेरा गोल बन जाता है। आगे आपकी थैंक यू। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। वो स्टोरी आपको यह है कि एक दो लोगों को बोला गया कि आपको रात्रि में जंगल को पार करना है और लालटेन दे दी दोनों को। जब लालटेन को उजाला देखा तो वो पांच स्टेप ही चल रहा था कि पांच स्टेप पे ही उजाला के बाद फिर हमें इरादे खड़ा था। तो एक ने सोचा कि मैं पांच स्टेप चल के देखूं, ने हाथ में लालटेन लेके, तो शायद मैं आगे कुछ जो होगा देखेंगे। वो ऐसे ऐसे पांच पांच स्टेप बढ़ता गया और पूरा 10 किलोमीटर का पूरा रात में सफर तय कर लिया। और एक बंदा क्या सोचता रहा कि ये तो 10 किलोमीटर है, मैं 5 स्टेप चलूंगा तो कैसे मेरा गोल पूरा होगा, मैं कैसे चल पाऊंगा। तो गोल वो नहीं होता, गोल वो होता है कि इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होता है। चलना तो हमें शुरू करना है, अगर हम चलना शुरू नहीं करेंगे तो हम पहुंचेंगे कैसे। तो गोल को ये नहीं मतलब निकाल सकते कि गोल एक दिशा करते हैं, एक तस्वीर बनाती है और वो मेरा गोल हो गया। नहीं, गोल वो है कि जो हमने सोचा उसके लिए हमें काम करना शुरू करना है, छोटे छोटे गोल बनाना। बड़े गोल के लिए क्या करना है, छोटे छोटे गोल बनाना, एक उद्देश्य पूरा करना है और उद्देश्य के लिए हमें चलना जरूरी होता है। छात्र आज जागरूक नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गोल्स को कैसे सेट करें, कैसे तय करें कि हमें करना क्या है आपको, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूँ कि हाउ टू सेट योर गोल्स। क्या किसी ने सोचा है अभी भी क्वेश्चंस कितने दिमाग में आ रहे हैं ना, क्वेश्चंस कि आखिर करना क्या है मुझे, मुझे तो ये भी पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे तो सब कुछ पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे नाचना पसंद है, सब सोचते हैं ना। तो मेरे ख्याल से ना गोल से सब नहीं होते, गोल से नहीं होते। गोल का मतलब आपको डायरेक्टली एम पर जाना नहीं होता एक्चुअली। गोल एक छोटी शुरुआत से भी होता है, गोल वो भी होता है कि आज मुझे सोनी सर ने इतने क्वेश्चंस दिए हैं और मुझे इतना करना है, करना ही है। मेरे को राजीव सर ने एक गोल दिया है कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ तैयार करना है। कल मैंने सोचा कि मुझे करना मतलब कि मेरा टॉपिक क्या है, मैंने सोचा टॉपिक, मैंने राजीव सर से ये टॉपिक डिस्कस किया, मैंने संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखे कि मैं बोलूंगी क्या, ठीक है, मैंने सोचा, ये भी मेरा एक गोल था, ठीक है। और आज इसीलिए मैं आप सबके सामने खड़े होकर बात बोल रही हूँ, ये भी एक गोल है कि नहीं, है ना। तो भाई शुरुआत छोटी सी होती है, शुरुआत एकदम से बड़ी नहीं हो जाती। या फिर मैंने नहीं सोच लिया है कि मुझे IPS बनना है, मैंने सोच लिया आज मुझे IPS बनना है, बस मैं IPS के लिए पढ़ूंगी, नहीं, गोल ये नहीं होता। गोल ये होता है कि मुझे मतलब छोटी सी छोटी चीज को भी गोल मानना है, ठीक है। एक पहले तो आप उस चीज को आप जो करना चाहते हो उसको ना एक रफली लिखो, क्योंकि आप रफ करना बहुत अच्छे से करते हो, वो मुझे पता है, सबको पता है, मैं भी करती हूँ, ठीक है। फिर रफली लिख के सोचो कि हाँ मुझे ये करना है, और फिर उसका एक टाइम लिमिट रखो कि मुझे इतने से इतने समय तक इसको करना है। अगर वो गोल छोटा है उसको 1 साल, अगर वो गोल बड़ा है ना तो उसको डेली करो। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मेरा ये सपना है और मैंने आज से शुरुआत की है, आज से नहीं मतलब बहुत पहले से शुरुआत की है। मैं बचपन से मेकअप में बहुत रुचि है मेरी, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मेकअप करती हूँ, कई बार मेरे दोस्तों ने भी देखा। तो सोचो पहले तो मैं प्यार किससे करती हूँ, मैं मेरे को बनना क्या है, मेरा गोल है क्या आखिर, ठीक है, गोल है क्या। ऐसे ही नहीं कुछ भी सोच लिया सब, मेरी दोस्त पोयम लिखती है तो मुझे भी पोयम लिखना है, ये गोल नहीं होता। आज मैं अवेकन सिटीजन प्रोग्राम के अंतर्गत आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, आप अपने खुद के लिए कैसे जी सकते हैं, क्या कोई आंसर दे सकता है? जिसमें मुझे खुशी मिलती है ना, वही काम करूंगी तो मुझे तो नहीं जी।
अगर खुशी मिलती हो तो उसमें तो गलत चीजें भी हो सकती है जिसमें खुशी मिलती है। जैसा भी शुरू करेगा जिसमें हमें खुशी मिलती है ये तो सही है, जिसमें हमें खुशी मिलती है, पर हमें कुछ गलत चीजों में भी खुशी मिल सकती है तो हम उससे क्या करें? उस वक्त तो हम लोग गलत ट्रैक पे भी जा सकते हैं और सही पे भी जा सकते हैं, फिर हम कौन सा सही चूज करें, गलत वाला या फिर सही वाला? हमें सही की तरफ जब जाना होगा तब हम अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखेंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं सोचना है, बस जो गलत है हमें पता है गलत है पर कैसे ना कैसे करके उसे छोड़ना है कि नहीं ये गलत है तो हम उसे सही की तरफ कैसे जाए हमें उसके बारे में सोचना है। फिर तो आपको ऐसा कोई नहीं है जो आपको ना समझाए, फिर आपको खुद से ही माइंड बनाना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के आंसर में है ना, तो आगे अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा, आप जो लेक्चर लोगों का सेशन कंप्लीट होने के बाद सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। हां, अब सेकंड क्वेश्चन, हमें हमारी पढ़ाई के लिए मतलब इतनी सारी टेंशन होती है कि हम कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे और अगर पास नहीं हुए तो घर वाले क्या कहेंगे, इन सबको अगर हम लोग मिलाएं तो एक बड़ी सी वजह बनती है, कोई बता सकता है इस वजह को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जरूरी नहीं है पढ़ के, वजह क्या? घर वालों को भी इक्वल टाइम दे और पढ़ाई को भी इक्वल टाइम, सबको इक्वल टाइम। अगर मान लीजिए आप बता दीजिए जो मन जो परिवार वाले बोल रहे हैं अगर वो सही है तो उनकी बात को समझ के हमें भी ये सोचना चाहिए कि वो अगर हमें बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। और इसमें एक और चीज ये भी हो सकती है कि अपने आप को इतने अच्छे से अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं सही हूँ, मतलब उनसे ज्यादा मैं ज्यादा अपने आप को समझ सकती हूँ और मैं सही हूँ, तो उन लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखा के उन लोग को ये कन्विंस कराना कि मैं सही हूँ और मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ और अगर मैं असफल हुई तो मैं बेशक आपकी बात मानूंगी, और अगर जिस काम में आपको सफल मतलब जो आपको पसंद है और जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसमें आप असफल होंगे। बिल्कुल सही कहा। अब मेरा तीसरा सवाल, हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है, जैसे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं तो हमें हम बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते, ऐसा होता है सभी के साथ? और फिर हम अपने आप को मतलब सही साबित करने की कोशिश करते हैं बल्कि हम होते नहीं है सही, साबित करने की वजह उस चीज को जो गलत है जो गलत है उसको सही साबित करने की हम जब कोशिश करते हैं तो उसको हमें अपने आप से कैसे उसको सॉल्व करना होगा? चलो और आगे बढ़ो, उस चीज को हटाओ, फॉरगेट इट। तो अगर हम गलत हैं और लेकिन हम अपने पेरेंट्स या एल्डर के सामने उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं जबकि हमें मालूम है हम गलत हैं, तब हम वहाँ पे जो प्रूफ करना चाहते हैं तो उसको हम बैक कैसे करना है, क्योंकि हमें डर लगता है अगर बैक हुए तो हम गलत हो जाएंगे, तो उस जगह पर हमें क्या करना है? सच बोलो, एक्सेप्ट है अगर मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ तो ये मेरे अंदर साहस होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि वो जितना अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते जाएंगे, उतना ही फंसते जाएंगे, बल्कि आप अपने आप को साबित मत करो, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ इस जगह गलत है तो गलत है, अपनी बात पे अड़े मत रहो। अब मेरा अगला क्वेश्चन, हम मतलब पढ़ाई करते समय हमें दूसरी चीजें याद आती हैं, जैसे कुछ चीजें जो हमारे साथ इंसिडेंट्स करके आ जाती हैं, तो उन चीजों को हम कैसे भूलें? किसी के पास ना अगर जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में कुछ जैसे आते हैं तो हमें मेमोरी में रहते हैं और हम उसी को फिल्म की तरह देखते रहते हैं और पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट होते हैं।
बंद करके साइड करो और खूब सोचो, दिमाग में ना आए तभी जान बूझ के उसको जबरदस्ती दिमाग में लाओ, वो खुद ही अपना कुछ। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या है? मेरा भी यही आंसर था कि जितना उस चीज को सोचेंगे, जितना उस चीज के बारे में सोचेंगे जान बूझ के। अब हम पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने हम बस फॉर्मेलिटी के लिए बैठे कि हाँ बस दिखा रहे हैं हम कि हाँ पढ़ रहे हैं, बल्कि हमारा ध्यान कहाँ है? उस चीज पे। सबसे सबसे पहली बात, आप एक काम करो, कॉपी किताबें बंद कर लो, जैसा कि श्रुति ने कहा, कॉपी किताबें बंद करके उसी चीज के बारे में बार बार सोचो जो आपके माइंड में आ रही है, आप अपने आप उसे भूलने लगोगे। बस और पेरेंट्स सभी बोले, टीचर सभी बोले कि नहीं तुम मत पढ़ो, बट हमारे पास एक वजह होनी चाहिए और हम पढ़ते रहे। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने अपना 100% दे दिया तो आगे जाकर भी आपको किसी भी, आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको एक आदत होगी कि हाँ अचीव मैं 100% विद द वजह, एक वजह के साथ अपना 100% मैं लगाऊं उसमें। और आप किसी फेलियर के पास चले जाइए, उसके पास पूरी लिस्ट होगी कि वो क्यों आज फेल है, उसके पास पूरी लिस्ट होगी बहानों की कि क्यों आज मैं फेल हूं। और आप एक ऐसे पर्सन के पास चले जाइए जिसके पास सक्सेस है, जो कि आज सक्सेसफुल है, उसके पास हजार वजह होंगी, उन हजार वजह होंगी वो करने की जो वो करना चाहता था, बट सिर्फ एक वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता था। Are you getting my point? Yes. Okay. So I think that Jwala got it. So thank you. मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। Find your